राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालियों की ढाणी गुड़ामलानी में मंगलवार को कंप्यूटर लैब का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। केएन की सहयोगी कंपनी स्लम्जर द्वारा सीएसआर फंड से स्थापित की गई लैब का उद्घाटन केएन के सिक्योरिटी हेड मैनेजर रोहित मनकोटिया ने फीता काटकर किया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे। केएन वेदांता की सहयोगी स्लम्बर्जर कंपनी द्वारा कोरोना काल में कई सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण के साथ स्लम्बर्जर शिक्षण व्यवस्था में भी सुधार के आयाम स्थापित कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के गुड़ामलानी कस्बे के उच्च प्राथमिक विद्यालय मालियों की ढाणी में स्लम्बर्जर कंपनी के अधिकारियों की अगुवाई में कंप्यूटर लैब का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। केएन की सिक्योरिटी हेड मेजर रोहित मनकोटिया के मुख्य आतिथ्य, स्लम्बर्जर के जितेंद्र सिंह विशेष आतिथ्य, एमआई स्वाको के संजय चौधरी एवं प्रदीप योगी की मौजूदगी में कंप्यूटर लैब का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर अपना उद्बोधन देते हुए केएन के सिक्योरिटी हेड मेजर रोहित मनकोटिया ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में कंप्यूटर शिक्षा समय की मांग है एवं कोरोना काल में कंप्यूटर एवं मोबाइल ही शिक्षण से जुड़े रहने के साधन रह गए हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में स्लम्बर्जर द्वारा कंप्यूटर लैब विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। स्लम्बर्जर के जितेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी के इंडिया सीएसआर मैनेजर सुमन तालुकदार के मार्गदर्शन में अब तक 32 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासेस, शौचालय आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके। कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर लगाए हैं स्लम्बर्जर की कंपनी द्वारा। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे इस विद्यालय के बच्चों को फ़ायदा होगा और कंपनी ने जो ये कार्य किया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज के समय में जो अभी स्थिति है विश्व की, जो महामारी हम झेल रहे हैं, उससे जो पढ़ाई लिखाई है, बच्चे स्कूल ना जाके कंप्यूटर पे ही ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेट की व्यवस्था होने के बाद ये जो चीज़ है वो यहाँ पर इस विद्यालय में भी उपलब्ध होगी और जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा। सर, कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षा के जगत में ये कहाँ तक बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, कंप्यूटर कक्ष की खास बात करें? मुझे लगता है ये अभी बच्चों का फ्यूचर इससे ही डिफाइन होगा। ये आगे चल के ज़्यादातर पढ़ाई कंप्यूटर पे ही होगी। सर, सामाजिक सरोकार से जुड़ी और कुछ कंपनियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या संबोधन देना चाहेंगे, क्या संदेश आपकी ओर से? देखिए, मेरा संदेश यही है कि हमारी कंपनी, चाहे वो केएन हो या स्लम्बर्जर हो, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रही है, उनका एक लक्ष्य ये भी है कि उनके साथ जो वहाँ के लोग हैं वो भी उन्नति करें, उनको भी सुविधाएं उपलब्ध हों। जितना कि सीएसआर उपलब्ध करा सकता है वो कराई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने स्लम्बर्जर कंपनी के पदाधिकारियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह देते हुए सम्मान किया। शुभम संस्थान के मुकेश व्यास ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कंप्यूटर लैब के लोकार्पण के पश्चात अतिथियों ने कंप्यूटर लैब का अवलोकन किया एवं कंप्यूटर लैब में उपस्थित विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हुए मुँह मीठा करवाया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल का स्टाफ, ग्रामीण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।